प्रेजेंटिंग अरीना स्क्वायर बाय एम्पायर अरीना। इस प्रोजेक्ट को डिजाइन किया है इंटरनेशनल आर्किटेक्ट हफीज कॉन्ट्रैक्टर ने। ये एक रेसिडेंशियल प्लस कमर्शियल प्रोजेक्ट है जिसमें आपको मिलता है सेपरेट कमर्शियल स्पेस फॉर योर शॉप्स एंड ऑफिसेस। इसी के साथ आपको मिलता है 1, 2 and 3 BHK के लग्जरियस रेसिडेंशियल अपार्टमेंट। इस प्रोजेक्ट की एमिनिटीज में आपको मिलता है स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, गार्डन, इंडोर आउटडोर गेम, मल्टीपर्पज हॉल, साथ ही साथ और भी बहुत कुछ। इतना ही नहीं, इंटरनेशनल स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन, ये सब सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 मिनट के फासले पे। सो क्यों रहना ऑर्डिनरी जब मिल रहा है लग्जरी। डू कॉन्टेक्ट फॉर मोर डिटेल्स www.arenasquare.in। गंगल तुम्हारे आने के बाद में सब भी डुबकी लगाएंगे। सब लगाने हैं डुबकी, सब डुबकी लगाने हैं। कैमरा चालू है तो भाग गए सब। देख ये देखो, मैं दूसरे का पकड़ाऊँ, वो धंधर है। परिवार के लोग हैं, इनको अपने बच्चों से पूछना चाहिए, उनकी देखभाल करना चाहिए। भाई तुम कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, पानी कितना गंदा है, उसमें पेशाब कर रहे हैं अंदर डूब के। बच्चे कहीं पे भी जा रहे हैं, कभी कोई नशा कर रहा है या ऐसे डैमों में जिसमें जान जा सकती है। तुम भी ना रहे, मैं नीचे ना रहा था, तुम थे ना डैम में। हाँ तो निकल गया अंकल, मैं वहाँ पर एकदम नीचे ना आ रहा था। घर वाले पूछते नहीं कि आप तुम लोग कहाँ जा रहे हो, इतना नहा रहे हैं। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। इस समय मौजूद है मुंब्रा के खड़ी मशीन रोड पर, जो डैम है उस डैम पर मौजूद है। आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे जो है इस डैम में नहा रहे हैं, जबकि इस डैम में जो है अब तक कई बार यहाँ हादसे हो चुके हैं। अंदर की तस्वीरें दिखाएंगे, छोटे छोटे बच्चे जो है यहाँ पर नहा रहे हैं। हालाँकि बारिश जो है वो अभी कम हुई है, और जब तेज़ बारिश होती है तो ये डैम भर जाता है, और भर के यहाँ से जो है पानी बाहर निकलता है, और बड़ी संख्या में यहाँ लोग घूमने आते हैं और नहाते भी हैं। लेकिन ये डैम जो आप देख रहे हैं ये काफ़ी ख़तरनाक है, और ऐसा बताया जा रहा है कि नीचे जो मिट्टी है इसमें वो दलदल वाली है, और इसमें जो है अब तक कई लोगों की जान हो चुकी है। हालांकि यहाँ पर जब हम पहुँचे तो इसमें कई बच्चे जो है नहा रहे थे, और वो कैमरा देखकर फिर निकल के यहाँ से भागने लगे। लेकिन आपको बताएंगे कि कल जिस तरह से पुणे में जो घटना हुई, वहाँ पर जो पूरा परिवार पानी में बह गया, जो पिकनिक मनाने गए थे, कहीं ना कहीं लोगों को सीख लेने की ज़रूरत है कि ऐसे ख़तरनाक जगहों पर वो ना जाएं, क्योंकि उनकी जान को ख़तरा हो सकता है। हालांकि बताया जा रहा है कि कल रविवार का दिन था, और रविवार को यहां पर जो है काफ़ी भीड़ थी, लोग यहां पर पहुंचे थे नहाने के लिए, घूमने के लिए, और ये ख़तरनाक डैम है। और यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग मुंब्रा से ही नहीं और दूसरे जगहों से भी यहाँ पर आते हैं। क्या बताएंगे, यहाँ पर जो छोटे छोटे बच्चे नहा रहे हैं, कितना ख़तरनाक डैम है। देखिए ख़तरनाक तो है, क्योंकि इससे पहले भी हर साल जो बारिश में यहाँ पे हादसे हुए हैं, ये तो किसी से छुपा नहीं है मुंब्रा के अंदर के ये डैम में हादसे हुए कि नहीं हुए। कल जिस तरीके से लोनावाला का हादसा हुआ, जिसमें 9 लोग फैमिली के, जिसमें से 4 लोग की शायद पहचान हो चुकी है और बाकी को लापता है 2। तो ये आप पानी देखिए कितना गंदा है, अगर जान नहीं जाए, इन्फेक्शन हो जाए बदन में, कितना उससे पानी कितना गंदा है, उसमें पेशाब कर रहे हैं अंदर डूब के, वो पानी मुंह में जाए। बच्चे नहा रहे हैं, हम लोग जब यहाँ पहुँचे तो कम से कम ये अच्छे खासे थे, 20-25 के ऊपर थे। कैमरा चालू है तो भाग गए सब, देख के मैं भी वही राउंड अप। परिवार के लोग अपने बच्चों का ख्याल नहीं रख रहे कि कहां जा रहे हैं बच्चे, जो लोग नहा रहे हैं। इस्माइलुद्दीन भाई, ये जो परिवार के लोग हैं, इनको अपने बच्चों से पूछना चाहिए, उनकी देखभाल करना चाहिए। भाई तुम कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, ट्यूशन जाओ, स्कूल के टाइम स्कूल जाओ, बाकी अदर टाइम कहाँ जा रहे हो, उसका उनको कोई परवाह नहीं रहता है। बच्चे कहीं पे भी जा रहे हैं, कभी कोई नशा कर रहा है या ऐसे डैमों में जिसमें जान जा सकती है, फिर इसके बाद परिवार आके सरकार के ऊपर तोहमत लगाएगा, जबकि यहाँ बोट लगा दिया गया है, आगे भी नीचे भी एक बोट है, मैं भी वही देखा, चेतावनी बोट लगाया, वो बोट फाड़ दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे उन लोग स्विमिंग कर रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। स्विमिंग करना है आपके पास, एमएम वैली का वो है, क्या नाम, क्या क्या नाम है, नहा रहे थे ना, मैं नहीं कैमरा देख के तुम भाग रहे थे आगे पीछे। ये देखो मैं दूसरे का पकड़ाऊँ, वो धंधर है, मैं गंदे पानी में नहीं नहाता। तो आपसे टी-शर्ट वगैरह कैसे भीग गया बारिश में, अभी हम लोग केकड़ा पकड़ रहे। बारिश बारिश तो हुई नहीं बेटा अभी, कौन सा केकड़ा पकड़ रहा तू, कौन सा केकड़ा, इसके हाथ में ईशान दे रही, इसके हाथ में नहा रहे थे, नहीं नहा रहे, नहीं मैं नहीं नहा रहा था, तो नहाना भी नहीं क्योंकि काफी खतरनाक है, इसमें कई लोगों की अब तक जान गई है। और जो जिसका कपड़ा लिए उसको भी बुलाओ, बोलो मत नहाओ ना। सबसे बेस्ट क्या करना चाहिए ना, अंदर जाली वाली डाल देना चाहिए। कितने बच्चे हैं वहाँ पर, किसका कपड़ा लिए है आप, अरे अरमान
ऊपर आ बुला रहे इधर भी है देखो ये अब भी डैम में से ना क्या है ना तू अब भी डैम में से निकल रहा है इससे पूछो खिलाड़ा पकड़ लेगा तुम भी ना आ रहे मैं नीचे ना आ रहा था मैं नीचे ना आ रहा था ये डैम में ना आ रहा था देखो क्या मजा आती है आपको बेटा नहाने में नीचे से नहाकर आया अभी तो आपको वहाँ पे मैंने देखा डैम में था ना आयो तुम थे ना डैम में हाँ तो निकल गया अंकल में वहाँ पर एकदम नीचे ना आ रहा था नीचे ना आ रहा था तुमको मालूम है इसमें कितने लोग मरते हैं क्या मालूम नहीं मालूम अच्छा लगता है इसमें कम से कम 8 से 9 नहाने को आए लोग भी खड्डे में ना मेरी अम्मी आया नीचे हम लोग नीचे ना बोल कल का हादसा देखे तुमने कल जो हादसा हुआ कौन सा 8 से 9 लोग कल किधर मरे ऊना में कुछ मालूम नहीं है दिखा तो तुम लोगों ने पढ़ाई करते हो जाते हो घर पे रहते तो क्या करते फिर पढ़ाई करता हूँ ना पढ़ाई करते फिर यहाँ डैम में नहाने आ गए हाँ तो आज ही तो आया खाली हादसा बोल के नहीं आता यार इतना बड़ा डैम है इसमें गंदा पानी है इन्फेक्शन भी हो जाए तो अभी अंकल तुम्हारे आने के बाद ना ये सब भी डुबकी लगाएंगे सब सब लगाने हैं डुबकी सब डुबकी लगाने हैं चार्ट करो नहीं नहीं घर घर वाले पूछते नहीं कि आप तुम लोग कहाँ जा रहे हो इतना नहार है अच्छा सबकी अम्मी नहीं झूठ बोल रहा है अरे तो इन लोग की अम्मी के साथ आया हूँ ना मैं हम लोग तो बच्चे लोग हैं ना एरिया के उन लोग को लेने के आए ऊपर ऊपर तो लेके आओ हम लोग तो नीचे से अभी आने के बाद ना सांप डुबकी लगाएंगे अभी अपना भाई डुबकी हमारे गले सांप निकल जावे हालांकि ये बात है कि पानी जब बारिश का ज्यादा रहता है तो ये यहाँ से पानी का बहाव रहता है काफी फैमिली भी आती है यहाँ नहाने के लिए घूमे टहले यहाँ पर बाजू में दरगाह है यहाँ भी लोग टहलते हैं घूमते हैं घूमने के लिए आते हैं ठीक है अच्छा है लोग छुट्टियां मनाने के लिए यहाँ पर आते हैं लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से ये डैम एक खतरनाक डैम जो है अब तक साबित हुआ है हालांकि शहर में पीने के पानी की सुविधा हो इसलिए इस डैम को बनाया गया था लेकिन ये डैम जो है पीने का पानी शहर को तो नहीं दे रहा है लेकिन अब तक इस डैम में जो है कई लोगों की जान जा चुकी है।